जाटका टेल्स विद रॉब। हाय गाइस, आई एम रॉब और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक जातक कहानी जिसका नाम है बैनियन ट्रीज। सो हियर गोज। ये कहानी तब की है जब ट्रीज, एनिमल्स और रिवर सब बोलते थे। इंटरेस्टिंग होता होगा ना, व्हेन यू कैन टॉक टू अ ट्री और एन एनिमल। आई मीन वाओ। सो बहुत साल पहले एक जंगल जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था, उसमें सारे एनिमल्स हंसी खुशी रहते थे और वहीं पर थे दो बढ़िया बैनियन ट्रीज, यानी बहुत ही शानदार बरगद के पेड़ जो एक साथ जुड़े हुए थे। ज्यादातर इन्हीं पेड़ों के नीचे सारे एनिमल्स इकट्ठा होते थे, सोते थे, मीटिंग्स करते थे और अपने शिकार को भी यहीं पर खाते थे। पर ये इतना सारा तामझाम बैनियन ट्रीज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो बहुत परेशान थे। एक दिन, पता है, पहला वाला बैनियन ट्री दूसरे वाले पेड़ को क्या बोला? दोस्त, ये जानवर भी बहुत अजीब हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं और शिकार करते रहते हैं। तो दूसरे पेड़ ने कहा, हाँ बहुत मुश्किल हो गया है, अब मैं इन जानवरों को यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, चाहे जैसे भी रहे, लेकिन ये हमारा और जानवरों का सबका जंगल है। हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मेल जोल करके ही रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं, समझे? और ये सब हमारी भी तो प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन दूसरे पेड़ ने तो मानो ये डिसाइड ही कर लिया था कि अब वो यहाँ पर किसी भी जानवर को रहने नहीं देगा। पहले पेड़ ने उसको खूब समझाया, तुम ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते तुम क्या करने जा रहे हो। लेकिन दूसरे पेड़ ने उसकी हर बात को इग्नोर किया। और फिर एक रात जब हवा बहुत तेज चल रही थी, तो दूसरा वाला पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, अब यही सही मौका है जानवरों को यहाँ से भगाने का। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हिलने लगा और बहुत डरावनी आवाज निकलने लगी। पेड़ के नीचे सो रहे जानवरों को लगा कि जंगल में कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है। सब डर गए और वहां से भागने लगे। शेर, चीता, हाथी, सब जानवरों को उस पेड़ ने बहुत बुरी तरीके से डरा दिया, इसलिए सब जंगल से डर कर कहीं दूर चले गए। नेक्स्ट डे दोनों पेड़ों में से दूसरा वाला पेड़ बहुत खुश था। अब मजा आएगा यहाँ पर रहने का, इट्स सो पीसफुल, हवा भी कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन पहले वाला पेड़ खुश नहीं था, पर अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए चुप रहा। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक एक गांव वाला जंगल में अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते इन पेड़ों के पास आ पहुंचा। वो काफी देर जंगल में इधर उधर घूमा, वो भी डरा हुआ था कि कहीं कोई शेर या चीता ना आ जाए। लेकिन काफी घूमने के बाद भी उसे कोई जानवर नहीं दिखा, तो वो सोचने लगा, लगता है यहाँ कोई भी शेर चीता नहीं है और किसी भी जानवर के पैरों के निशान भी नहीं है। ऐसा सोच के वो काफी सरप्राइज था। थोड़ी देर बाद ही उसको अपनी गाय मिल गई और वो वापस अपने गांव आ गया। गांव में आकर उसने अपनी ये कहानी बाकी सब लोगों को सुनाई। गांव के सभी लोग सुनकर सरप्राइज हुए और सोचने लगे कि ये सच है कि झूठ। क्या यही एक जंगल है जहां हमें जानवरों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? और ये देखने नेक्स्ट डे गांव के और भी लोग उस जंगल में आए और काफी देर घूमने के बाद वो उन्हीं दोनों पेड़ों के नीचे आ गए और खुशी से बिना डर के रिलैक्स करने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, ऐसा लगता है कि बरसों से यहाँ कोई जानवर नहीं रहा है। दूसरे वाले ने कहा, तब तो ये पूरा जंगल हमारे मतलब का है, हम यहाँ की जमीन का यूज कर सकते हैं। ऐसा सुनते ही दोनों पेड़ एकदम सुन रह गए। उस पर पहले वाले पेड़ ने दूसरे वाले पेड़ से कहा, देखा तुमने क्या कर दिया,
अब यहाँ पर ये गांव वाले आने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब हमारे सुंदर जंगल का क्या होगा? फिर पहले वाले पेड़ ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, जैसे मैंने जानवरों को भगा दिया था ना, वैसे ही मैं इनको भी डरा कर भगा दूंगा, फिक्र मत करो। और फिर वो अपने आप को तेजी से हिलाने लगा और डरावनी आवाजें निकालने लगा। कुछ गांव वालों ने बोला, अरे ये कैसी डरावनी आवाज है भाई? थोड़ा तो सभी डर गए, कुछ सहम भी गए। तभी एक अंकल ने कहा, भाई डरने की कोई बात नहीं है, जब तेज हवा पेड़ की पत्तियों को छू कर बहती है तो ऐसी ही आवाजें आती हैं, समझे? पेड़ और तेजी से हिलने लगा और इतना हिला कि कुछ उसकी पुरानी ब्रांचेस भी टूट कर नीचे गिर गई। ऐसा देखकर कुछ गांव वाले फिर से डर गए, लेकिन अंकल नहीं डरे और उन्होंने कहा, अरे डरो मत, ये पुरानी लकड़ियां हैं जो पेड़ से गिर गई हैं। ये सुनकर गांव वाले शांत हो गए। धीरे धीरे कुछ दिनों में ही गांव के सभी लोग जंगल आने लगे और उन्होंने जंगल के सभी पेड़ों को अपनी खेती और जमीन के लिए काट दिया। और अब सिर्फ यही दोनों बैनियन के पेड़ बचे हुए थे। सो सैड, नो, नॉट फेयर। कुछ गांव वाले बैनियन ट्रीज के नीचे आकर बातें कर रहे थे, कल हम इस वाले पेड़ को भी काट देंगे। इतना सुनते ही दूसरा वाला पेड़ बुरी तरह से डर गया और वो पहले वाले पेड़ से सॉरी बोलने लगा, मुझे बचा लो प्लीज, मेरी कुछ हेल्प करो। लेकिन पहले वाले पेड़ ने बड़े दुख से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुमको मिलेगी ही। और नेक्स्ट डे गांव वालों ने दूसरे वाले बैनियन ट्री को काट दिया और पहले वाले को रख दिया, क्योंकि उसकी ब्रांचेस भी बड़ी थी और उसमें छांव भी अच्छी आती थी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? इस स्टोरी से हमने सीखा कि कभी भी नेचर के रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे जो भी नेचर के रूल्स हैं, उनको ही हमेशा फॉलो करो और सब कुशल मंगल रहेगा। और हाँ, जितना हो सके उतने अपने आसपास पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ से हरियाली और खुशहाली बढ़ती है और हमारे प्लैनेट अर्थ को बहुत सारे ट्रीज की जरूरत है ना? ओके, बाय गाइस, आई विल मीट यू वेरी सून विद अनदर स्टोरी एंड लाइक आई ऑलवेज से, डू गुड एंड बी गुड। पीस।